अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसे हैं? क्या कि थोड़ा मुझे ना व्हाट्सएप देख रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप पहले ही बोल दिया। नाज़रीन एंड हज़रात, अर्ज की है, अभी छोटे बच्चे हो क्या? आए हाय हाय जी, व्हाट्सएप आ गए। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद का आपको जो है रिस्क में इजाफा फरमाए और हमारे लिए भी दुआ वगैरह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुशी से जाएं, खुशी से आएं, मतलब दुआ में सब याद रहेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे। चौधरी साहब अलग तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया, बंदे दे पुत्र बने करो, माओ दी बच्चों चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं गुजारा नहीं होना। खैर, अभी जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यार। पिछले दिन है ना कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तुम मैंने दसा कंट्रोवर्सी हल तक जारी है या खत्म होगी? पीछे यार एक ना रजब भट्ट का अपना जरा के भरा भी है, ठीक है? तो उनके बाद अनस भट्ट, वो भी सॉरी अनस आ रही है, भट्ट नहीं है यार, माजरत। हूँ मैनू यह समझ नहीं आ रहा कि मैं ख्वाब कोई देख रहा या वाकई इन्हों की कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, क्योंकि जितने तक मैंने याद ना पहले इन्हों की कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, फिर बेच कोई जो है ना मसले मसले हो गए थे, किसी ने क्या तू 50 खाधा है, किसी ने क्या तू 15 खाधा है, एवें फसूल जो है ना बिच गलों की इंटरफेयर हुई, ठीक है? उन्हें तो बाद खत्म हो गया, उन्हें तो बाद हूँ दोबारा तीसरे बंद की इंटरफेयर होती पी, तो हूँ दोबारा चीज़ कंटिन्यू हो रही है। इनको इस बात ने मंजूर कर लिया कि रजब फैमिली के लिए हम लोग जो है बॉक्सिंग मैच रखेंगे और ये जो है इसकी जो स्ट्रीमिंग होगी वो फ्री होगी। आप सबको पता मैं क्विट कर चुका था, मैं क्विट कर चुका था क्योंकि लोगों को लग रहा था प्री प्लान्ड है, लेकिन जो शर्तों जवाबत जो हुए हैं वो ये है कि ये वर्ल्ड वाइड फ्री होगी। आपने HUFC में आके फिजिकली देखना है मैच, उसके लिए आपको HUFC की ही टिकट लेनी पड़ेगी जो आपको मेरे जिम से भी मिल जाएगी और Spotify अब मैं हूं पूछना चाह रहा हूँ कि एक ख्वाब है या मेनू ही लग रहा है कि बस एक ख्वाब है या वाकई चीज सीरियस होने वाली? थले कमेंट सेक्शन से दसो ना किस चीज का इंतजार है। अब खैर यार, आज का वेटेड जो है ना हम चीजें दो डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है? अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर देखा हो तो मैं रजब भट्ट, जो कि रजब फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, उनसे मैं पहली बार मिला था। अब यार मुझे कहीं पर ना एक देखो नॉर्मली होता है क्या कि आप किसी बंदे से जब मिलते हो ना, अगर वो बंदा आपको अच्छे से मिल रहा है तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप भी उसको दूने तरीके से अच्छे से मिलें, ठीक है? आप उसकी दूनी रिस्पेक्ट करें, फिर अगला बंदा दिल करता है तो तीन ही देवे फिर हमें चोनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की वजह से। हूँ एक बंदा नहीं मैंने बुरा लगा, मैं उन्होंने कह दें कि बुरा है, एक बंदा मैंने लग रहा है कि यार सिंसियर है, ठीक है, सारे का हेल्प करता है, मैं किमें कह दें कि भाई जान उन्हें 50 खाते हैं, ठीक है? एक बंदा जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो तो तुहे को कमीशन ले सकता है। पहली बार मिलने गया था मैं, जो भी बातें हुई थी हमारी, ठीक है, मुझे उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं नजर आया कि उसने मुझे कहा कि भाईजान आपने अगर मेरे साथ काम करना है तो तू मैंने इन्ना 20 लाख दे, 30 लाख दे, 40 लाख दे, 50 लाख दे, करोड़ दे, या फिर जो तू ना 250 रुपये ये दे या 150 रुपया दे। अब नहीं गल हुई मैंने नहीं हमें देखो समझ आई, मैं एवं फजूल जब कह दें कि यार ठीक है वो बंदा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो सोशल मीडिया में ना हम किसी की बात सुनते हैं उस बात को यकीन कर लेते हैं, फिर किसी की बात सुनते हैं किसी की उस बात की यकीन कर लेते हैं। हूँ देखो ना यार, एक हम सेन बंदे वाली गल देखो यार, जदों तक मैं किसी को कोई एग्रीमेंट किसी का नहीं देखा कि यह बंदी का उस बंद का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कोई एड्डा पागल बंदा है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के 50 लाख का कोई जो है ना 50 या 30 या जो गल चल गई ना, आप एवं नॉर्मली एक समझदारी वाली गल कर लगे, आप नहीं वेना कि सोशल मीडिया का सिस्टम की चलता है, ठीक है? हूँ जो मैंने नहीं पता कि भाईजान मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिन्हें जो भाईजान अनस ने पैसे फराए हो किसी, ठीक है, या रजन ने ले होने या फिर वॉइस दे या बोल के उन्होंने एक दूजे कोई गल दी हुई या मैं रिकॉर्डिंग सुनी है, तो जब बंदा उठता है आपकी वीडियो बना लगा, चौथा बंदा उठता है आपकी वीडियो बना लगा, छेवा बंदा उठता है आपकी वीडियो बना लगा, सारे ने व्यू चाहिए, ठीक है? घुम घुमा के तुम कहना चाहिए सब तुम्हें व्यू चाहिए समझदार बंदे जी। यार हूँ तुम मैं की दसा, मैं बताऊँ क्या बताऊँ, बच्चे थोड़ी हो क्या? ये जो कंट्रोवर्सीज होती है ना सोशल मीडिया के थ्रू, जो हम एक बंदे को सुनते हैं फिर दूसरे बंदे को सुनते हैं फिर तीसरे बंदे को सुनते हैं और उनके बाद ही आप आपका दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, तो की ख्याल है? आप समझदार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल कराया करो, ठीक है? जरा एक बंदा तो सिंसेयर होता है ना, उनकी सिंसेयरिटी पता लग जाती होती, एक बंदा जरा कल नवा उठा, ठीक है, फिर कल एक नवा उठा, फिर कल एक नवा उठा, तो उन्होंने गलत सुन के उस बंद जिंदी पुरानी बनी होती तुम खराब कर दीजिए। कसूर तुहाडा या मेरा नहीं, कसूर अपने दिमागों का, अपनी सोच का। आप एक बंद मौका ही क्यों दे रहे हैं कि उस बंद जाके इंटरफेयर करे, ठीक है? बाकी तुम समझदार जी, वेलकम बैक हो गया अज के ब्लॉग के अंदर, तुम हल तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कि मारी गल, ठीक है? मतलब चौधरी साहब ने तुम्हें इन मेन मेन गल्ला इन जहानत वाली गल्ला दसियां, हले भी तुम चैनल ना सब्सक्राइब करो तो माओ के बच्चों मार गल तो बड़ी मारी है ना, ठीक है? चौधरी साहब ने ना करो। वैसे भी यार हर एक बंद की ना होंगी है बर्दाश्त, हम तुम्हें बर्दाश्त का तो नहीं पता होना, चल कोई गल, चौधरी साहब है ना तुम्हें दस देने, हम बर्दाश्त भाई जान अजकल जो है ना सारे बंद की घट होगी, ठीक है? छोटी छोटी गल जो है ना लोग लड़ाई झगड़े के बारे सोच के बह जाते हैं, छोटी छोटी गल तो बंदा सोच लेंदा कि यार एक इन्ना चंगा या एक इन्ना मारा है। इस तरह के दौर दे अगर कोई उनकी बुराई फर्ज करो कि मेरी ही बुराई, चलो ला लो कि मैं तीजे बंद की क्यों मिसाल देनी, ठीक है? मेरी अगर कोई बुराई करेगा, ठीक है, जहरी गल यार मैनू भी पैरा लगे तो चलो एक बार बर्दाश्त कर लाँगा, दूजी बार कर लाँगा, तीजी बार चलो हो सकता कोई तरला मिनट कर दें यार तू गलत काम कर रहे हैं, नहीं चंगा काम ना, मतलब
क्यों तू फजूल जी मेरे बारे में गल्ला कर रहे? चौथी बार करता हूं जारी गाले की उंगल बखाएगा तो फिर भावी जारी गाले पे वेखन मिल जांदी हुंदी अक्सर। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ते दसन दा मकसद ये है कि यार किसी दी अच्छाई नु उंदी बहुत वड्डी बेवकूफी नहीं समझना चाहिए, ठीक है? ते अपने दम ते अपने बलबूते ते देखो जी, अगर तुम मैनू सपोर्ट कर रहे जी, मेरी वीडियोज़ देख रहे, डैट इज़ मीन कि अल्लाह तला ने इज्जत दी हुई है, तुम मैं सपोर्ट कर रहे जी, थानू मेरा अच्छा लग रहा कॉन्टेंट, ठीक है? तो बस ठीक है, मैं थोड़ी तो गलों से नहीं बोल रहा, मैं जो है ना ना तो तेनू लग लत खिंची जिंद 4 मिलियन, ना तेरी लत खिंची जिंद 10 मिलियन ने, ना उनकी खिंची जिंद 15 मिलियन। मैं अपना काम कर रहा, तू अपना कर रहा, ठीक है? हूँ यह तो नहीं है ना कि मैं अपनी रोटी चंगा कहने वास्ते या अपनी रोटी के नाल जो है ना कोई बर्गर शर्गर रखने वास्ते उनकी रोटी गल कर कह दें तेरी रोटी नहीं चंगी, तेरी रोटी चाहे कुछ पाया था कि तू भी ना खावे, तेरे नाल जी रहा भी सारे उठ के चले गए, सियाने बने बंदे माओ के बच्चे बंदे बने करो, ठीक है? तो मैंने कॉन्ट्रोवर्सी का लाजमी थले दसो कि है भी एवं मेरा बस तरह ही निकल चट रहा है। खैर एनीवेज वे लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है? अज दिल कर रहा है थोड़े ना ही गल कर, अच्छा नहीं सी लग रहा यार, बार बार एक बंद एक बंदा एवं बार चंगा कही जा रहा, कही जा रहा, कही जा रहा, कही जा रहा। तो मैं आख्या यार एक बंदा अगर अच्छा है तो फिर सारी गलों अच्छा समझो, छोटिया छोटिया गलों ना बेचना लिया दिया करो, ठीक है? एवं फिर दिल ही खराब होते हैं अगले बंद के। तो माओ के बच्चों बाकी चौधरी के दिल भी वड्डे ने, हर एक बंद के दिल वड्डे ने, ठीक है? अल्लाह तला की देने वाली जात है, ठीक है? उन्हें तुम्हें भी दिता, मैनू भी दिता है, हर एक बंद ने दिता, जिन्हें दिता वो अपना खा के कमा रहे हैं, ठीक है? तो किसी की रोजी देवे लत ना मारो, फिर जहरी गल है तुम्हारी रोजी जो लत पई तो फिर जहरी गल है सारे बर्दाश्त नहीं होनी, उत्तों फिर जो थले डिगना फिर जहरी गल तुम फिर होना है कि यार पहले ना ही कर देते चंगा नहीं गा, पहले बंद के पुत्र बन जाओ। माओ के बच्चों इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।